हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस क्वेड और जिम कैविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिटे द्वारा लिखित, टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित, ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच, टॉबी अमेरिच, बिल केरा रो अभिनीत, डेनिस कवेल्ड, जिम कैविजेल, आद्रे ब्रूखेर, एलिजाबेथ मिसेल, नूह एमे रिच, छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित, डेविड रोसे रोसेन ब्लूम, संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000, कार्यकारी समय 118 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $31 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन। ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टॉबी अमेरिच द्वारा लिखित, इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें सनडायल, आत्रे ब्रूकर, नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलिवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्बिट्स हाक कोच, टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था, और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की।
जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1971 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस क्वेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नुहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा
अंग्रेजी बजट एस 31 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 68.1 मिलियन। ग्रेगरी हाबिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिज द्वारा लिखित, इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें सनडायल, आत्रे, ब्रूकर, नू अमेरिज और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हाबिट्स, हार्क, कोच, टॉबी अमेरिज और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक समझे बातचीत करता है। तो गाइस,
यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हॉर्विट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रूखेर एलिजाबेथ मिशेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हॉर्विट्ज द्वारा निर्देशित और टॉबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिशेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हॉर्विट्ज हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने $31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में $9 मिलियन और दुनिया भर में $68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं जो ट्रैक के
विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नुहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जान
सुलीवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हेम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्पर्स हॉक, कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस कवेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हॉल
ब्रिटेन द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हॉर्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा लो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हॉर्बिट्स द्वारा निर्देशित और टॉबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हॉर्बिट्स हॉक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान जो अब एक NYPD जासूस है अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका
संस्था द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है जो कभी फ्लैग का था लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नुहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 31 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्बिट्स हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था।
इसने 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में 9 मिलियन और दुनिया भर में 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1979 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस क्वेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है म
माइकल कामिन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $31 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन। ग्रेगरी हार्विट्ज द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिज द्वारा लिखित। इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें सनडायल, आत्रे ब्रूकर, नू अमेरिज और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलिवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्विट्ज, हार्क कोच, टॉबी अमेरिज और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमाटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान
रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व संख्या के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक समझी बातचीत करता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रूखेर एलिजाबेथ मिशेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिशेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्बिट्स हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने $31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में $9 मिलियन और दुनिया भर में $68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की
शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्रैंक का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस कवेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टोबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम कैविजेल आद्रे ब्रूखेर एलिजाबेथ मिसेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें
सन डायल, आत्रे, ब्रोकर, नू, अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्पर्स हॉक, कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त कार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा
फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम कैविजेल ने अभिनय किया है। आवर्ती निर्देशक ग्रेगरी हाल पिटे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हॉर्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम कैविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हॉर्बिट्स द्वारा निर्देशित और टॉबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हॉर्बिट्स हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। द
30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक समझी बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रूखेर एलिजाबेथ मिसेल नुहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है।
फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्पर्स हॉक, कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस कवेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हॉक कोच टॉबी अमेरिच बिल केरारो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रूखेर
एलिजाबेथ मिशेल नूह एमे रिच छायांकन आलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 31 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्विट्ज द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिशेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलिवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्विट्ज हार्क कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान जो अब एक NYPD जासूस है अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त कार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है जो कभी फ्लैग का था।
लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान ओरोसा वोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रूखेर एलिजाबेथ मिसेल नुहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसे रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 31 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्बिट्स हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर
इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलिवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1971 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1-2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेनिस क्वेड और जिम के विजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिट्टे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकोच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नहू एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी
हाबिर्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिज द्वारा लिखित, इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें सनडायल, आत्रे ब्रूकर, नू अमेरिज और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है, जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है, जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हाबिट्स हार्क, कोच टॉबी अमेरिज और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और राटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं, जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1969 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है, जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।
दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 1 2000 अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें डेनिस क्वेड और जिम केविजेल ने अभिनय किया है। आवृत्ति निर्देशक ग्रेगरी हाल पिटे द्वारा लिखित टॉबी एमी रिच द्वारा निर्मित ग्रेगरी हार्बिट्स हाकुच टॉबी अमेरिच बिल केरा रो अभिनीत डेनिस कवेल्ड जिम केविजेल आद्रे ब्रुखेर एलिजाबेथ मिसेल नूह एमे रिच छायांकन अलार की विलो द्वारा संपादित डेविड रोसेन ब्लूम संगीत दिया है माइकल कामेन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2000 कार्यकारी समय 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस $68.1 मिलियन ग्रेगरी हार्बिट्स द्वारा निर्देशित और टोबी अमेरिच द्वारा लिखित इसे न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित किया गया था जिसमें सनडायल आत्रे ब्रूकर नू अमेरिच और एलिजाबेथ मिसेल के सह कलाकार हैं। साजिश न्यूयॉर्क शहर में एक हत्याकांड जासूस जॉन सुलीवन का अनुसरण करती है जो गलती से उसे अपने दिवंगत पिता के हैम रेडियो पर एक क्रॉस टाइम रेडियो आवृत्ति का पता लगाता है जो दोनों को एक दूसरे से समय के साथ बात करने की अनुमति देता है। फिल्म का निर्माण ग्रेगरी हार्बिट्स हाक कोच टॉबी अमेरिच और बिल केरारो द्वारा किया गया था और इसे 28 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसने एस 31 मिलियन से के बजट के मुकाबले अपने शुरुआती सप्ताह में एस 9 मिलियन और दुनिया भर में एस 68.1 मिलियन की कमाई की जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉटेन टोमेटो पर 125 वोटों के आधार पर इसकी 70% अनुमोदन रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में आप एक ट्रैक और FDNY के फायर फाइटर क्रेग सुलीवन की दुर्घटना को देखते हैं जो ट्रैक के विस्फोट के दौरान एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
वह विस्फोट से बच जाता है। अक्टूबर 1971 में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया, एक नर्स और 6 साल के बेटे जान को छोड़कर गोदाम में आग लगने से मर गया। 30 साल बाद 1999 में जान, जो अब एक NYPD जासूस है, अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है, जबकि उसकी माँ एक अपार्टमेंट में चली गई है। उसकी प्रेमिका सांता द्वारा भावनात्मक रूप से बंद होने के कारण उसे छोड़ने के बाद उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त गार्डी रात के खाने के लिए आता है और एक हीथ किट सिंगल साइड बेड होम रेडियो पाता है जो कभी फ्लैग का था, लेकिन इसे काम करने में विफल रहता है। अपने पिता की मृत्यु के सालगिरह से एक रात पहले जान बोरोसा बोरोलिस के विषय रूप से तीव्र घटना के दौरान रेडियो के संचालन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 1969 की विश्व शंका के संबंध में एक अन्य व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।